बच्चों, मैं एससी गुप्ता आज आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन में पावर इंडाइसेज एंड सर्ट चैप्टर है, या आप ये समझिए कि एक स्क्वायर रूट का साइन है और उसके अंदर फिर एक स्क्वायर रूट है, इस तरीके के सवाल का सिंप्लीफिकेशन आपको सिखाता हूँ। देखिए देखिए क्या करते हैं हम, पहले सवाल, अब पहले आप देखिए, अच्छा देखिए इसको देखिए, फर्स्ट का आंसर आएगा, फर्स्ट का मैं आंसर लिख रहा हूँ आपके आगे, आंसर लिख रहा हूँ, फर्स्ट का आंसर आएगा अंडर रूट 6+1, दूसरे का आंसर आएगा अंडर रूट 7+ अंडर रूट 3, ठीक है, तीसरे का आएगा अंडर रूट 6- अंडर रूट 2, इसका आएगा अंडर रूट 9, तो ये 3 ये आएगा, इसका आएगा, इस फोर्थ वाले का आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, हो गया सवाल, कंपटीशन में आते हैं सवाल। आप कहेंगे साहब आपने इतनी जल्दी ये कैसे आंसर लिख दिए, आप भी निकालेंगे, आप भी निकालेंगे, मुझसे जल्दी निकालेंगे, चलिए मैं तो इतना सोचने में लगा दिया, आप इतनी देर भी नहीं लगाएंगे, तो कैसे करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिए कैसे करते हैं। पहला सवाल ले लीजिए, पहला सवाल जी, ध्यान दीजिएगा आप पहला सवाल को, देखिए 7+2√6 पहला सवाल, ठीक है, ले लिया। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, पहले सवाल में हम करेंगे, हमको अंडर रूट 2 इस वाली टर्म के बाहर अवश्य चाहिए, हर हालत में चाहिए, हर सवाल के अंदर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तो बना बनाया रखा है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, इस 6 के जो अंदर है 6, इसके दो फैक्टर कर लीजिए जिनका सम 7 है, तो 6 1+1, भाई 6 1+1 हो गया, 6 1+1 जिनका प्रोडक्ट तो ये आए और सम गया है, प्रोडक्ट आए और सम क्या है 7 है, जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको सिखाया था वही लॉजिक है, तो बस इसका आंसर आ गया, इसका आंसर में एक दफ़ा ये रख दीजिए अंडर रूट 6 और एक रख दीजिए अंडर रूट 1, बीच में निशान कौन सा आएगा, जो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर निशान है वही निशान यहाँ आएगा, ठीक है, जो निशान यहाँ पर है वो ही आएगा, कौन सा निशान है प्लस का, तो मैं प्लस, अब अंडर रूट 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है, तो लिख दीजिए अंडर रूट 6+1, ये आंसर आ गया, देखिए आंसर मैंने लिखा था, मैंने आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतनी देर लग रही है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए, चलिए दूसरा देखिए क्या है, 10+, अब इसमें भी कुछ नहीं है, 10+2√21 और का इस अंडर रूट और है स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 21 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम 10 आए और प्रोडक्ट 21 आए, तो 7 3 जा भाई 7 3 या देखिए 7 और 3 10 हो गया और 7 21 हो गया, बस तो आंसर आ गया अंडर रूट 7+√3, 7 और √3 ये आंसर आ गया, आया। चलिए अब देखिए, तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल बाहर, थर्ड क्वेश्चन, 8-4√3 अंडर पेट के अंदर है ये हो रहा है। अब मैंने आपको ये कहा था कि मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, ये है 4, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ 8-2 2 × 2 करूँगा, इस यहाँ 2 लिया मैंने, तो 2 अंदर जाके स्क्वायर रूट के अंदर जाके क्या बन जाएगा, 2 भाई स्क्वायर रूट के अंदर जाके 4 बन जाएगा, तो 4 × 3 भाई 4 का अगर अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर निकालोगे तो 2 आएगा नहीं आएगा, क्लियर हो गया। चलिए तो ये क्या हो गया 12, तो ये 8 का सवाल बन गया 2√12, मैंने वैसे ही सवाल बना लिया जैसा था, मुझे 2 चाहिए मैंने बना लिया, अब इसका मैंने 2 फैक्टर कर दिए, जिसका सम 8 है प्रोडक्ट 12 है, तो भाई 6 × 12 ही लग रहा है मुझे, तो 4 × 3 = 12 4 × 3 = तो 7 आएगा, तो 6 × 2 = तो आंसर क्या आएगा √6 और √2, लेकिन यहाँ साइन कैसा है माइनस का, तो ये मेरा आंसर आएगा, माइनस यहाँ लगा दूँगा, समझ गए, ये आपके सवाल होगा। आप बहुत ही आसान है टेक्निक, बहुत आसान टेक्निक है,
चौथा सवाल देखिए, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ सवाल क्या है, 11 माइनस 72, और ये 72 इसके अंदर है और ये एक स्क्वायर रूट का साइन है। तो मैंने कहा था मुझे यहाँ दो चाहिए, दो तो बाहर जब ही निकलेगा, जब अंदर चार करूँगा, फोर करूँगा तो फोर बाहर आके बोलो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 11 माइनस अंडर रूट है, तो पहले तो मैंने 4 × 18 कर लिया, ऐसा करके कर लिया, कोई ऐसी बात नहीं, कर सकता हूँ। अब ये चार बाहर आएगा तो दो हो जाएगा, बस मेरा सवाल हो गया, यही आपको सिखाना था। अब 18 के दो टुकड़े कर लीजिए, मेरा सवाल बन गया जैसा मैंने आपको सिखाया था, मुझे यहाँ दो चाहिए। तो क्या आएगा, 18 के ऐसे दो फैक्टर करिए इनका सम 11 हो तो 9 × 2 = 9 2। तो भाई इसके दो फैक्टर में एक तो ये आया अंडर रूट और एक आया ये 2 अंडर रूट, बीच में साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, यह आंसर आ गया। लेकिन आप अंडर रूट 9 को 3 भी तो लिख सकते हैं, तो 3 माइनस अंडर रूट 2, ये फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। देखिए मैं तो लिख रहे हैं आपको आंसर, देखिए आ गया, सब आ रहे हैं, सारे समझ में आ रहे हैं, समझ में आएगा, कुछ नहीं करा। 72 को मैंने 4 मल्टीपल ऑफ 4 में तोड़ लीजिए, जाके 4 बाहर निकालूंगा तो 2 निकल के आ जा, मैंने 4 में तोड़ लिया, 2 बाहर निकाल लिया, अंदर 18 रह गया, 18 के दो फैक्टर कर लिए, सवाल आ गया। कुछ है थोड़ी लास्ट, चलिए 10 फिफ्थ क्वेश्चन है, चलो 10 और प्लस है भाई 84 है और अंडर रूट के अंदर है और इसके अंदर और है, बड़े भारी सवाल लग रहे हैं बच्चों को, कर नहीं पाते, बच्चे कर लेंगे क्यों नहीं करेंगे। देखिए मैंने कहा इसके 4 अंदर कर लो, ऐसे इसके ऐसे कॉमन करो, फैक्टर करो जिसमें 4 जरूर आए। तो देखिए 10 प्लस अंडर रूट 4 × 21, बोलो भाई 21 4 जाए 84 हो गया, मैंने 4 बनाया, 4 क्यों बनाया, मुझे 2 बाहर निकालना, तो ये हो गया 10 प्लस 2 अंडर रूट अंडर 21 रहा, और ये छतरी एक के बाद एक और लगा दिए, लग गई। अब मैं कर लूँगा, अब इसके मुझे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम 10 आए, तो 7 3 ठीक है, तो अब ये हो गया अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3, बीच में साइन देखूँगा प्लस है या माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाऊँगा, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाऊँगा और आंसर लिख दूँगा। दिस इज द लॉजिक, देखिए आया समझ में, चलिए उतारिए फिर आपको और सिखाते हैं। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं 6 और अब फास्ट चलते हैं, अब फास्ट टेक्निक कंपटीशन वाली, ठीक है। पहला सवाल 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 8 + 60 तेजी से कर दीजिए, मुँह जवानी कर दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, चलिए बहुत जल्दी बोलिए, 8 आंसर बता दीजिए इसका, प्लस इसे क्या करेंगे 15 × 4, तो अंडर रूट 2 बाहर बाहर निकाल के अंडर रूट 15, देखिए आ गया। अब 15 के ऐसे टुकड़े करिए 5 3 जा, तो आंसर क्या आएगा, प्लस है तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 आ गया आंसर, बोलो आ गया। अब आप ये कहेंगे साहब आप अंडर रूट 5 बड़ी वाली संख्या पहले लिखते हैं, बड़ी वाली पहले लिख दिया करो, नेगेटिव में फ़ायदा देगा, इसलिए बड़ी वाली पहले छोटी वाली बाद में लिखा करो लेफ्ट में, ठीक है भाई। क्या करा, कुछ भी नहीं, 60 के दो टुकड़े में 4 मैंने बाहर 15 × 4 करा, 4 बाहर आ गया 2 हो गया, टुकड़े कर दिए, 15 के दो टुकड़े करे 5 × 3 15 5 और 3 का सम 8 है और 15 की प्रोडक्ट आएगी, समझ में आई। चलिए और सवाल करते हैं, तेज़ी से करो, हाँ तेज़ी से लो, हम तो उत्तर देख के ही बता देंगे, बोलो चलो अगला बताओ। 5 + 2 अंडर रूट, अब ये तो भाई साहब ये तो बच्चों का खेल है, इसमें क्या बात है, इसमें तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, क्या लिखोगे, 2 तो बना हुआ है, 5 लाना है, तो क्या टुकड़े होंगे इसके, 3 × 2 होंगे भाई, 3 × 2 3 × 2 जा होंगे, तो आंसर क्या आया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस माइनस का साइन यहाँ से देख कर लगाऊंगा, 3 अंडर रूट। अगला देखिए आठवां देखिए 8 - 2 अंडर रूट 15, भाई आ गया सवाल, 15 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए जल्दी से जिनका सम 8 है, 5 3 = वेरी गुड, 5 3 = 2 यहाँ होना जरूरी है, 2 यहाँ था, 5 3 = तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, यहाँ प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस लगा के ब्रैकेट लिख दो आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन 15
माइनस 224 अंडर रूट के अंदर। देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ इवन ही नंबर होगा और मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ये भी याद रखिए मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए इसमें से 4 के टुकड़े कर दीजिए, तो ये कि 15 माइनस 4, एक मल्टीपल 4 बनाए, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको अगर अंदर, तो 4 डायरेक्ट कंपटीशन में करना तो 23 से बाहर आ जाइए। खैर मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो बोलो ये टुकड़े आ गए, फैक्टर आ गए, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगी 4, मुझे चाहिए 4 बाहर निकाल दीजिए और इसे अंडर छतरी लगा दीजिए। बोलो वही बोलो, बन गया भाई सवाल। अब 56 के ऐसे टुकड़े करो जिनके 56 के जिनका सम 15 आए, 8 7 जा, वेरी गुड, 8 7 जा, 8 7 जा, तो अंडर रूट 8 माइनस 7 अंडर रूट आंसर आ गया। अब देखेंगे आप सब, कंपटीशन के सवाल था और उसमें जो है आंसर ये तो नहीं है, तो इसका अंडर रूट निकाल दो, ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये आंसर होगा या ये होगा, कोई ना कोई आंसर होगा। बोलो समझ में आ रहे हैं, ये कोई भारी थोड़ी है ये सवाल कंपटीशन में। अब मैं आपको क्या बताऊं, बड़े बड़े बच्चे बैठे हुए थे, मेरी ड्यूटी लगी थी कंपटीशन में, उसमें बच्चे नहीं कर पाए, भाई इतना इशारा कर रहा हूँ मैं, नहीं कर पाया, मैं देख रहा था, राउंड ले रहा था और मैं देख रहा था बच्चे को, यही सवाल था, नहीं कर पाए। तो देखिए कैसा करते हैं, मैंने आज आपको लॉजिक सिखा दिया, ठीक है, चलिए आगे एक सवाल रहेगा लास्ट, चलिए वो भी करते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड। अब तो आपको इस तरीके का सवाल हर तरीके का आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है, कभी भी कोई सवाल आए तो आप ऐसा कर दीजिएगा, 12 12 माइनस 140, अरे भाई 140 है तो मैं तो अब डायरेक्ट कर दूँ, 4 बाहर निकाल दूँ तो अंदर 35 बचेगा, हाँ भाई बचेगा, तो चलो करो 12 माइनस 2 अंडर रूट 35, मैंने तो अब डायरेक्ट कर दिया, तेज करूँगा मैं तो इसके, तो 7 5 35, 7 और 5 का सम 12, तो अंडर आ गया अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5। अब मैं देखूँगा यहाँ माइनस है प्लस है, यहाँ माइनस है तो मेरा आंसर आ गया, अब तो मैं तेज चलूँगा। नहीं ऐसे करे जाते हैं सवाल, वह 140 के 4 से मल्टीप्लाई करके टुकड़े कर दिए इसके, 4 इंटू, नहीं समझ, बच्चे भी ऐसा बना दिया मैंने, ये कोई करने की तरकीब थोड़ी है, ये तो बहुत छोटे बच्चे हो तब होता है, 6th क्लास का हो, 7th का हो, तब तो चलो स्टेप बाय स्टेप सिखा दो, अब आप लोग तो थोड़े से जानकार हो तो इस तरीके से करते हैं। आया पसंद, सीख गए इस तरीके के सवाल, सीख गए आप सिंप्लीफिकेशन के, सीख गए, चलिए पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, इतनी ही अनुरोध है, ठीक है, चलिए।